अब जैसे कि हमारी एक शॉर्ट टेक है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट पर, कि हम डायरेक्ट देखते ही बोल देंगे स्टिक से कि ये फंक्शन हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा या नहीं। शॉर्ट टेक क्या है, यदि कभी भी हमारे फंक्शन में एन हमारा ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई, यदि हमारा मतलब फंक्शन न्यूमिनेटर में यदि मल्टीप्लाई हो रहा है एन किसी फंक्शन में, तो वो कभी भी 0 to 1 की बात करें, चाहे हम ओपन इंटरवल या 0 to इन्फिनिटी की बात करें, ये कभी भी इस इंटरवल के लिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। हमें याद रखना है ये रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्या, यदि न्यूमिनेटर में एन हमारा मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कभी भी हमारा फंक्शन 0 to इन्फिनिटी और 0 to 1 में कभी भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं दिखाएगा। इस क्वेश्चन के लिए हम चेक भी कर सकते हैं। और यदि हमारा किसी फंक्शन में एन जो है न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई ना हो रहा हो और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा हो, सिंपली हम करें क्या, यदि हमारा फंक्शन बात करें इसमें हम देखें तो फंक्शन एन जो है फंक्शन में एन हमारे न्यूमिनेटर में तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा डिनोमिनेटर में हो रहा है, तो ये हमेशा ओवर द आर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट दिखाएगा। तो इस तरीके का ये हमारा रिजल्ट है, जिसे हम देखकर यदि इन दोनों टाइप के कोई क्वेश्चन आ जाएं जिसमें एन ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा हो और एन यदि ऊपर मल्टीप्लाई ना हो रहा हो तो नीचे मल्टीप्लाई केवल हो रहा हो, तो ऊपर वाले में कभी भी वो 0 to इन्फिनिटी और 0 to 1 पे कभी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होता, और यदि नीचे खाली मल्टीप्लाई हो रहा हो ऊपर ना हो रहा हो तो वो हमेशा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी दिखाएगा ओवर अ आर। हालांकि मैंने ये बताया कि यदि वो हमारा ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई हो रहा हो, पर मैंने ऐसा नहीं बोला कि नीचे नहीं होगा, यदि नीचे हो भी रहा होगा जब भी वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इन दोनों इंटरवल में नहीं दिखाएगा। तो ये थी हमारी ट्रिक, इस क्वेश्चन को आप पोस्ट करके वीडियो क्वेश्चन सोल्व करके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की ट्रिक से देख भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।